तमाम सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के कई प्रयास किए, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सक्ती जिले के माल खरौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सकर्रा में स्थित भाटापारा प्राथमिक विद्यालय की। यहां पर एक स्कूल संचालित है जिसमें दो छात्र हैं और इन दो बच्चों को पढ़ाने के लिए तीन शिक्षक पदस्थ हैं, जो हर महीने लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं। जिले में ऐसा ये एक स्कूल नहीं है, इसके अलावा भी एक दर्जन से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या 20 से भी कम है। तो वहीं कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां शिक्षकों की कमी है और बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जब जिम्मेदार अधिकारियों से इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई तो वो इसे उच्च अधिकारियों का मामला बताते हुए कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मुख्य जो भवन है पूरी तरह जर्जर है, तो हम किचन की तरह 2016-17 से पढ़ा रहे हैं और चौहान सर सीओ थे, उनके मार्गदर्शन से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारा मुख्य भवन जो पूरी तरह जर्जर, किचन भी नहीं है, तो यहाँ जो मध्यान्ह भोजन जो है अपने घर से ही बना के लाती है। यहाँ एक हेडमास्टर है, दो हम लोग सहायक शिक्षक हैं, अब तीन बच्चे थे जिसमें से एक चीज निकाले हैं, दो बच्चे भी यहाँ प्रेजेंट हैं। ये अभी हमारे विकासखंड माल खरौदा में चार पांच ऐसे स्कूल हैं जहाँ की दर संख्या 10 से नीचे, उसकी सूची मंगाई जा रही है और उसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय शक्ति को प्रेषित की जा रही है। उनका भी निर्देश था कि जो 10 से नीचे दर संख्या है और जहाँ शिक्षक हैं ऐसे विद्यालय सूची उपलब्ध कराई जाए और शासन से जो भी संदर्भ में कार्रवाई होगी उसके लिए मार्गदर्शन ऊपर से लिया जाए। महासमुंद के ग्राम राटापाली में खराब सड़कों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया।